सरसों का तेल यूज करते हैं इंजन मार का। देखिए आप, ये तो है केसर, ठीक है, ये है काचली, आपने आज तक दही और टमाटर देखा होगा, मैं काची का यूज करते हैं। ये है पान की जड़, पान की जड़, हाँ, ओके। और ये खस की जड़, हाँ। ये गुलाब की पत्तियाँ, ये पीपल, तो सबको गला देंगे। ये नलिया है, सही नलिया है, सब तरह का गोश है इसमें, गोश है कमर का, गर्दन का, चाप, नली, सारे देसी। ये है आटा गेहूं का जो हम नारी में डालने जा रहे हैं, ये हमने इसको पहले भिगो के रख दिया जिससे इसमें लेस बन जाती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अभी हमें मैजिक माइल रेस्टोरेंट, ऑलरेडी हमने इनकी कई सारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर रखी है, तो आज हम बनवाने जा रहे हैं नल्ली निहारी, जिसकी प्रिपरेशन थोड़ी डिफरेंट स्टाइल से की जाएगी, तो आप हमारे वीडियो में एंड तक बने रहें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो ज्यादा लोगों में शेयर करना ना भूलें। बिल्कुल सर, सरसों का तेल यूज करते हैं इंजन मार का, और मैं जब से मौसम वाला हूँ सरसों का तेल ही खा रहा हूँ। सबसे पहले हम डालेंगे गरम मसाला, लहसुन, ये डालने के बाद ये सारे जो मसाले हैं ना इनको मैं रोस्ट करूँगा आपके सामने, ओके। तो सबको गला देंगे। ये नलिया है, सही नलिया है, सब तरह का गोश है इसमें, गोश है कमर का, गर्दन का, चाप, नली, सब है। ये सवा तीन किलो खा रहे हैं। निहारी जो है ना, जहाँ तक मेरे को मैंने सुना है इसके बारे में, निहारी की उत्पत्ति हुई है सुबह जब लोग काम पे निकलते थे, मजदूर तबका, तो वो सुबह सुबह उनको खाना चाहिए था, तो खाना खाने के लिए वो रात को ही चढ़ा देते थे इसको। तो पहले के लोग 8-9 बजे तो सो जाते थे, ठीक है, और सुबह 4 बजे उठ के अपने जंगल जाना, कसरत करना, नहाना धोना, और कुएं पे जाके नहा के आते थे भरी सर्दी में भी। और इतने में उनकी रात बनी है निहारी बन जाती थी। निहारी नाम भी पड़ा, निहार का मतलब होता है, उर्दू में निहार का मतलब होता है सुबह, मॉर्निंग, जिसको अपन सुबह बोलते हैं। तो वो लोग, आम आदमी इसका खाना पेट भर के खाना खा के मजदूरी करने जाते थे, और थोड़ा बांध भी ले जाते थे, फिर वो लंच में भी खाते थे इसको, तो उससे ये चालू हुआ है। फिर ये धीरे धीरे बड़े लोगों को मालूम पड़ा, नवाबों को और जो होते हैं मुगल शासक, उन लोगों को पता पड़ा, राजाओं को, महाराजाओं को, गया निहारी कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं नीचे का तबका, तो उन्होंने नली निहारी इसका नाम डाल दिया, ये मुगली खाना बन गया। और नली सारी जाने लगी बड़े जगहों पर, नीचे रह गए छोटा माल। अब एक बकरे में 16 नली होती है, नलिया नलिया बड़े लोगों के, बाकी लोग इसका बनाने लगे, और महंगा जाता था। फिर उसके बाद बत्ती थी गोल बोटिया, वो सस्ती हो जाती थी। निहारी का मतलब होता है इसके अंदर हड्डियाँ तो होनी चाहिए, और वो इतनी गल जानी चाहिए कि उसका रस इसमें आ जाना चाहिए। भाई हड्डी में ही तो जान होती है, गोश में कभी जान नहीं होती, हड्डी में ही जान होती है, उसका सारा रस इसमें आ जाता है। फिर चाहे उसको संभालते हैं, और सुबह फिर उसमें क्या करते हैं, देसी घी का तड़का देते हैं, अदरक और हरी मिर्ची चॉप करके उसमें डाल के, अब हम इसको आप बनाएंगे बाजरे की रोटी के साथ, बेजड़ की रोटी के साथ, और मोटा गेहूँ की रोटी के साथ। आप मोटा गेहूँ की रोटी के साथ तो खाना या खा रहे हो, ये डाला जो साबुत असर, ये डाल रहे साबुत गर्म मसाला। अभी आप 3 किलो बना रहे हैं, लेकिन गर्म मसाला देखिए आप कितना सा, बिल्कुल ज़्यादा गरम मसाले भी नहीं डाल लेती, गरम मसालों से उनका फ्लेवर आ जाता है, मीट का फ्लेवर दब जाता है। ये डाल दिया हमने गरम मसाला, गरम मसाला डालते चार डाल दो आपको मिल जाएगा। प्याज को हमेशा ब्राउन नहीं करना चाहिए ज़्यादा, ना ज़्यादा जलाना चाहिए, प्याज को कुरकुरा करना चाहिए, जला हुआ भुना हुआ ज़्यादा प्याज होता है पेट में कब्ज करता है, गोपाल जी को दे रहा हूँ होस्ट करने के लिए। हाँ जी, आप तो शूटिंग कर लेना गोपाल।
ये नमक डाल रहा हूँ। नहीं 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 ये बस अपने प्याज गलने के लिए थोड़ा पानी डाल दिया। अब ये जब पूरा प्याज लुगदी बन जाएगा ना, लुगदी बनने के बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और आपके सारे मसाले वो डाल के मसालों की सबकी भुनाई करके और फिर इसमें हम पानी डाल के छोड़ेंगे। अभी कितनी देर के लिए छोड़ोगे इसे? अभी कम से कम इसमें लगेगा 15 से 20 मिनट। 20 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दो, 20 मिनट बाद छेड़ेंगे इसको। ढक्कन लगा दो भाई इसका। नारी बेटा ये हम डाल रहे हैं अदरक। अब मथानिया मिर्च का पेस्ट बना के हमने इसको करीब 1 घंटा भिगोया। पहले भिगो के फिर पीस लिया मिक्सी में, अब इसको डाल रहे हैं। एक चम्मच डाला भाई। ये है आटा गेहूं का जो हम नारी में डालने जा रहे हैं। ये हमने इसको पहले भिगो के रख दिया जिससे इसमें लेस बन जाती है थोड़ी। आटे से इसमें क्या है कि लिपस्टिका बना हो जाता है, वैसे ही होता है इसके अंदर, तो लेयर बन जाती है, तो उससे मज़ा आता है खाने का जब वो लेयर आती है ना। और इसमें लोग वो भी डालते हैं चने का पाउडर, भुने हुए चने का, लेकिन मैं वो नहीं डालता, वो थोड़ा गैस बनाता है। अच्छा, आटा बेस्ट होता है, ये नहीं है। मैं तो आटे को प्रिफर करता हूँ। तो देखिए दोस्तों केसर क्या बात है। अभी हम बुढ़ाव लेंगे इसका, ये हम डाल रहे हैं देसी घी। मसाले हम उस पर डाल चुके हैं, हम नहीं डालेंगे, ये डालेंगे उस बुनाव में। जी सर, अब इसको कितनी देर के लिए छोड़ रहे हैं? अभी करीब 3-4 घंटे। 3-4 घंटे क्योंकि अपन 2-2.5 घंटे तो हो गए, 6 घंटे तो कम से कम लगेंगे, फिर अपन ये खा सकते हैं, फिर ये बनती रहेगी। ये आपकी निहारी तैयार है, नली निहारी। आप सबसे पहले कोई नली का पीस ले जाए। Thank you.